कीटोजेनिक आहार क्या है और इससे मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति को कैसे मदद मिलती है। मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति व्यवस्थित कीटोजेनिक आहार के द्वारा अपनी स्थिति का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकता है। मेरे साथ आएं, क्योंकि मैं आपको यह बताऊंगा कि मिर्गी का प्रबंधन करने के लिए कीटोजेनिक आहार लाभदायक क्यों है। आपका शरीर एक अद्भुत मशीन है। वह सोच सकता है, वह महसूस कर सकता है और वह बहुत से यांत्रिक और कंप्यूटिंग कार्य आसानी से कर सकता है। क्या यह शानदार नहीं है? लेकिन अब तक बनाई गई हर मशीन की तरह ही आपके शरीर को भी अपने सर्वोत्तम तरीके से कार्य करने के लिए एक आवश्यक चीज की आवश्यकता होती है, ईंधन। और हमारा ईंधन उस भोजन से आता है जो हम ग्रहण करते हैं, जो हमें आहार पर केंद्रित कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं कि 7 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स और जल। जबकि हर तत्व हमारे शरीर में आवश्यक भूमिका निभाता है, हर एक पोषक तत्व की दैनिक मात्रा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकती है। और जो चीज शरीर को प्रभावित करती है वह मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। विभिन्न प्रकार के आहार हमारे संपूर्ण दैनिक आहार में हर पोषक तत्व के अनुपात पर केंद्रित होते हैं। इससे कीटोजेनिक आहार हमारा विचारणीय विषय बन जाता है। यह कम कार्बोहाइड्रेट उच्च फैट्स वाला आहार है जिसमें मध्यम मात्रा में प्रोटीन्स होता है। कीटोजेनिक आहार क्या है? एक विशिष्ट कीटोजेनिक आहार में यह शामिल होता है, फैट्स का अधिक अनुपात 80 से 90%, प्रोटीन्स की मध्यम मात्राएं और कार्बोहाइड्रेट्स का कम अनुपात 10 से 20%। आमतौर पर यह आहार कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स के हर एक ग्राम के लिए 3 से 4 ग्राम फैट्स का प्रावधान करता है। हम जो आहार ग्रहण करते हैं वह 2 प्रकार के ईंधन में रूपांतरित होता है, उदा ग्लूकोज और कीटोन। मस्तिष्क ऊर्जा के स्रोत के रूप में मुख्यतः ग्लूकोज का उपयोग करता है, लेकिन जब रक्त में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है तो कीटोन ऊर्जा का एक प्रमुख वैकल्पिक स्रोत बन जाता है। रक्त में कीटोन का यही बढ़ा हुआ स्तर है जिसे कीटोसिस के नाम से जाना जाता है। आइए देखें कि कीटोजेनिक आहार द्वारा प्रदान की जाने वाली ऊर्जा मिर्गी के मरीजों की किस तरह सहायता करती है। जब कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सीमित होती है तो अधिक फैट्स का दहन होता है। इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा के एक वैकल्पिक स्रोत कीटोन का निर्माण होता है। कीटोन रक्त प्रवाह के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है और ऊर्जा के स्रोत के रूप में ग्लूकोज को प्रतिस्थापित कर देता है। रक्त में कीटोन के इसी बढ़े हुए स्तर के कारण, जिसे कीटोसिस की अवस्था कहते हैं, मिर्गी के दौरों की आवृत्ति और गंभीरता कम हो जाती है और मस्तिष्क का संचालन बेहतर बनता है। इस प्रकार कीटोजेनिक आहार मिर्गी में प्रभावी पाया गया है। कीटोजेनिक आहार को मूल रूप से मिर्गी के ऐसे बच्चों का प्रबंधन करने के लिए डिजाइन किया गया था जिनका उपचार मुश्किल भरा था। हालांकि कीटोजेनिक आहार का पालन करने के कुछ दुष्प्रभाव जैसे कब्ज, डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया इत्यादि हैं, जिनका प्रबंधन आसानी से किया जा सकता है। कीटोजेनिक आहार का भोजन पिरामिड आमतौर पर ऐसा दिखाई देता है। मिर्गी से पीड़ित व्यक्ति व्यवस्थित कीटोजेनिक आहार के माध्यम से अपनी स्थिति का प्रबंधन बेहतर तरीके से कर सकता है। कीटोजेनिक आहार शुरू करने के पहले आपके चिकित्सक से सलाह लेने की अनुशंसा की जाती है। कीटोजेनिक आहार लेना आज ही शुरू करें, यह आसान और सेहतमंद है।